हेलो एवरीवन, आज वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा एक्टिवा 125 के रिगार्डिंग। ये एक नया अपडेटेड वर्जन है जिसके अंदर आपको BS6 फेस 2 का ऑप्शन मिलता है। हेडलैम्प्स की बात करें तो ये फुली LED रहने वाले हैं एंड नीचे की तरफ आपको इंडिकेटर और DRLs मिल जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छी लुक दे रहे हैं। सेंटर से देखें तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश भी मिल जाती है। टायर साइज़ की बात करें तो ये 12 इंचेस के रहने वाले हैं एंड यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश के अंदर अलॉय व्हील्स मिल जाती हैं। ओवरऑल एक्टिवा 125 फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है। कलर्स की बात करें तो जो ये कलर आप देख रहे हैं ये है इसका मेटेलिक ग्रे कलर। वेरिएंट की बात करें तो ये है इसका ड्रम विद अलॉय वाला वेरिएंट। इसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी एंड ब्लैक फिनिश के अंदर अलॉय व्हील्स मिलेंगे। साथ ही साथ फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी मिलेगा। अब अगर इसके स्टोरेज स्पेस की बात करें तो BS6 फेस 2 के अंदर यहाँ पे अब आपको ओपन स्टोरेज स्पेस मिलता है। साथ ही साथ आपको दो हैंगिंग हुक्स मिलेंगे जो कि दोनों के दोनों फोल्डेबल रहने वाले हैं एंड यहाँ पे आपको अच्छा खासा फुटबोर्ड एरिया भी मिल जाता है। अब अगर इसके मीटर की बात करें तो ये पार्टली डिजिटल एंड पार्टली एनालॉग रहने वाला है। इसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे जैसे कि इकोलाइट इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर, रियल टाइम माइलेज एंड क्लॉक। साथ ही साथ आपको नीचे की तरफ फ्यूल इंडिकेटर भी मिल जाता है। अब अगर इसके बटन्स की बात करें तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगेंगे एंड अच्छी खासी क्लिकिंग साउंड भी देंगे। यहाँ पे आपको इंडिकेटर एंड हॉर्न का बटन मिल जाता है जबकि इसके दूसरी साइड आपको इंजन किल स्विच मिलेगा एंड ये साइलेंट स्टार्ट के साथ आता है तो यहाँ पे आपको सेल्फ की साउंड बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिलेगी। अगर हम कंपेयर करें इसको एक्टिवा 6G के साथ तो यहाँ पे आपको पावरफुल इंजन मिल रहा है और ज़्यादा स्पेस भी मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका साइड स्टैंड। आप जैसे ही इसको इंगेज करेंगे आपकी स्कूटी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। ये रहेगा इसका सिल्वर फिनिश के अंदर फुटरेस्ट एंड पीछे की तरफ यहाँ पे आपको किक का भी ऑप्शन मिल जाता है एंड यहाँ पे बॉडी की तरफ आपको क्रोम इंसर्ट्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर एक्टिवा 125 की बैजिंग मिलेगी। ओवरऑल ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड प्रोपोर्शनल लग रहा है साइड से भी। अब रियर से बात करें तो यहाँ पे आपको हैलोजन टेल लैंप्स और इंडिकेटर्स मिलेंगे एंड नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको 10 इंचेस का टायर साइज मिलेगा एंड ब्लैक फिनिश के अंदर अलॉय व्हील्स मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको इसका ऑल इन वन लॉक मिलेगा जिससे कि आप इसकी सीट और फ्यूल लिड को ओपन कर सकती हैं। अगर इसके बूट स्पेस की बात करें तो इसके अंदर आपको 18 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा जो कि सेगमेंट लीडिंग तो नहीं है लेकिन फिर भी सफिशेंट है। ऊपर की तरफ आपको टूल किट मिलेगी जबकि साइड की तरफ आपको फर्स्ट एड किट मिलेगी। रियर से बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलर टैंक मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी एंड कन्वीनियंट रहता है एंड यहाँ पे जो आपको E20 का स्टिकर मिलता है ये बताता है कि ये BS6 फेस 2 का स्कूटर है एंड इसके अंदर आपको OBD2 मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग होंडा ने इसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करी है लेकिन फिर भी इसके अंदर जो आपको दो फीचर्स मिसिंग लगेंगे वो रहेंगे इसका फुली डिजिटल मीटर एंड LED टेल लैम्प्स। अगर इसके इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 125cc का इंजन मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको 10.4 Nm की टॉर्क भी मिल जाती है। अगर इसकी बॉडी की बात करें तो ये फुल मेटल बॉडी के साथ आता है। बस यहाँ पे आपको दो पार्ट्स मिलेंगे जो कि फाइबर के रहेंगे। इसके अलावा आपको इसकी पूरी बॉडी जो मिलेगी ये मेटल की मिलेगी। वारंटी की बात करें तो होंडा आपको 3 ईयर्स 36,000 किलोमीटर तक की वारंटी देता है। अगर आप इसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आप 1800 और पे करके इसकी वारंटी 10 ईयर्स तक करा सकते हैं। वेरिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाती हैं जो कि रहेंगे स्टैंडर्ड, ड्रम विद अलॉय, डिस्क विद अलॉय एंड एच स्मार्ट वाला वेरिएंट। जो आप देख रहे हैं यह है इसका ड्रम विद अलॉय वाला वेरिएंट। अगर इसके एग्जॉस्ट साउंड की भी बात करें तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और साइलेंट लगेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको और कोई वीडियो भी चाहिए एक्टिवा 125 के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। And also subscribe to this channel for more interesting videos.